किसान साथियों नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। आज लॉकडाउन 2.0 का पहला दिन है, परंतु सभी किसान भाई अपने खेती के कार्य में और बागवानी में व्यस्त होंगे। किसान साथियों, मुजफ्फरनगर में तितावी कस्बे में एक डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं वो, उनका नाम है VP शुक्ला। VP शुक्ला जी का जो तितावी में थाना है उसके पास अपना नर्सिंग होम है, और आजकल वो स्वेच्छा से सेवा भाव से किसानों को और गांव वालों को जागरूक कर रहे हैं कि आप साधारण से साधारण रूप में कोरोना से किस प्रकार बचाव करें। इसी पर उन्होंने एक वीडियो मुझे भेजी है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, आइए देखते हैं। सबसे मेजर समस्या क्या दिखी है, सबसे बड़ी समस्या ये दिखी है कि गाँव के लोग अधिकतर मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनसे हमारा सबसे पहला निवेदन तो यही है कि वो लोग मास्क का इस्तेमाल करें। अगर मास्क उनको 1% नहीं मिल पा रहा है तो उनके पास सबसे अच्छा साधन है रुमाल और गमछा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप गमछा और तौलिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ से आ रही है, हम रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं मगर दिक्कत हमें एक जगह से दिखाई पड़ रही, वो चीज़ आप लोगों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। हम जब रुमाल और गमछा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें पता सही तरीका नहीं पता होता है। सही तरीका क्या है, सही तरीका ये है कि सपोज करिए कि हमें रुमाल इसको हम ऐसे बांधे, ऐसे बांधने के बाद हम बाहर निकले, बाहर किसी आदमी से मिले और खेत गए, खेत का काम किए, इसमें वायरस या बैक्टीरिया या धूल मिट्टी आकर के यहाँ रुक गए, यहाँ पर रुक गए, बहुत अच्छी चीज है। हम घर आए, घर आने के बाद इसको उतार करके हमने रख दिया, रखने के बाद 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद हमें फिर किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा, हम यही रुमाल उठाए दोबारा फिर इसको पहन लिए, ये सबसे गलत तरीका है। इसको एक बार यूज करने के बाद सबसे पहले तुरंत हम साबुन या डिटर्जेंट पाउडर में धुले, अगर बाई दबे हम नहीं धुल पा रहे हैं तो इसको इसमें प्लस माइनस या 1, 2 कुछ भी आप लिखिए। कारण ये है कि जो हिस्सा, सपोज करिए हमारा हाथ, हमने इसको ऐसे बांधा हुआ है, अब ये मुंह हमारा सामने हो गया, यहाँ धूल और मिट्टी के कण आकर रुक गए, हमने इसको उतार दिया। उतारने के बाद क्या होता है कि हमें दोबारा याद नहीं रहता कौन सा हिस्सा अंदर था और कौन सा हिस्सा बाहर था। इत्तफाक से यदि ये हमारा दूसरा हिस्सा जो बाहर था वो मुंह के अंदर की तरफ चला जाता है, यदि वहां पर वायरस बैक्टीरिया या जो कुछ भी बैठा वो सीधे हमारे फेफड़े में जाएगा, तो हमारा रुमाल बांधना ना बांधना बेकार है। इससे बेहतर है कि हम इसमें प्लस माइनस ABCD 1, 2 कुछ लिखें, जिससे हमें याद रहे कि हमें कौन सा हिस्सा अंदर रखना है। दूसरी चीज कि हमारे यहाँ गमछे और दुपट्टे बहुत ज्यादा होते हैं, लेडीज के पास दुपट्टे होते हैं, जेंट्सों के पास गमछे होते हैं, किसानों के पास, हम उस दुपट्टे और गमछे से चाहें तो 1 गमछे से 8-10 मास्क बना सकते हैं। उसका हम आपको सरल और सबसे अच्छा तरीका बताएंगे। आप उसके इतने बड़े बड़े टुकड़े कर लीजिए, टुकड़े करने के बाद हम इसको ऐसे रखें, ऐसे रखने के बाद एक हम नॉर्मल पट्टी लिए, ये तो हमारे पास बैंडेज है, आप घर में सिलाई मशीन से पट्टी ले बना सकते हैं। पट्टी बनाने के बाद एक पट्टी यहाँ रखे, इसको 1/3 ऐसे मोड़े, दूसरी पट्टी हम रखे इधर और इसको हम ऐसे मोड़े, ये मुड़ गए। अब इसको हम सिलाई मशीन से, इस पर सिलाई मशीन से सिलाई चला देंगे, और हमारे पास सिलाई मशीन नहीं तो हम स्टेपलर का यूज कर रहे हैं, इस पर सिलाई मशीन से सिलाई कर देंगे। ये हमने इसके किनारे पर सिलाई कर दी और ये बन गया हमारा मास्क। को भी ये हमारा अपने घर का बना हुआ सबसे बेहतर और 3 लेयर का मास्क है।
आप बढ़िया, मगर इसमें भी आपको ध्यान रखना कौन सा हिस्सा अंदर रखना कौन सा बाहर रखना है, सबसे मेन पॉइंट। अब आइए दूसरे पॉइंट पर, सैनिटाइजर के लिए। ये सैनिटाइजर बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हम कुछ भी काम करते हैं, दीवार छूते हैं, दरवाजा छूते हैं, लकड़ी छूते हैं, जब ये सब चीजें छूते हैं, सब कोई आदमी खांस रहा है, खांसने के बाद उसने हाथ रख दिया तो वहां पर वायरस बैठने की उम्मीद जाता है। तो हर बार जितनी बार हम किसी को कोई चीज छुएं, हम हर बार अपना हाथ सैनिटाइज करें। गांव में सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है, हम नहीं कह रहे हैं आप सैनिटाइजर लेने जाइए, आप नॉर्मल साबुन से कुछ भी छुइए, उसके तुरंत बाद हाथ धोलिए, क्योंकि हो सकता है वायरस आपके नाखून में, आपके हाथ में लगा हो, वो आपके बाल से शरीर से किस जो है लग करके धीरे धीरे हाथ आपका चलता रहता मुंह तक जा सकता है, तो हर बार साबुन से हाथ धोलिए। तीसरी चीज, दूरी, जो सबसे मेन चीज आती है, दूर डिस्टेंस और दूरी। 1 मीटर कह रहे हैं, हम 1 मीटर नहीं मान रहे हैं। हम इसलिए नहीं मान रहे हैं कि हमने खुद देखा है, अगर आपको ज्यादा नजला जुखाम हो और एक बड़े शीशे या आईने के सामने आप खड़े हो जाइए, खड़े होने के बाद आप 1 मीटर दूरी पर छींकिए, तो आपके जो मुंह से निकली हुई छींटे हैं शीशे पर दिखाई पड़ेंगी 1.5 और 1.5 मीटर की दूरी तक। तो 1 मीटर की डिस्टेंस कैसे रह गई? ये तो 450 और 400 माइक्रो mm का है वायरस, ये तो हमको लगता है। अगर हम खुले में छींक रहे हैं तो 3 मीटर से 4 मीटर दूरी, क्योंकि इसको हवा का भी फोर्स मिल जाएगा। जब हवा का फोर्स मिल जाएगा तब ये थोड़ी स्पीड इसकी और बढ़ जाएगी, क्योंकि हल्का भी है तो 3 से 4 मीटर तक जा सकता है। तो जो संदिग्ध आदमी हो उससे हम 3 से 4 मीटर, या बेहतर तो यही मास्क, मगर दूरी ज्यादा से ज्यादा दूरी हम बनाए तो ज्यादा बेहतर है। और मास्क मोस्टली वो लोग यूज करें जिनको नजला जुखाम खांसी बुखार आदि हो, वो मास्क यूज करें। बाकी लोग तो आप रूमाल और गमछा इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर तीसरी चीज, अधिकतर हम अपने हॉस्पिटल में पेशेंट देखते हैं, माताएं आती हैं, बच्चे आते हैं, उनकी शिकायत क्या रहती है? शिकायत ये रहती है कि मदर को नजला हुआ, उससे बच्चे को हो गया। क्यों हो गया? दूध में कोई भी वायरस नहीं होता है कि मदर को नजला हुआ तो बच्चे को हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मदर के दूध में 6 महीने तक आप बच्चे को दूध पिलाइए। हाँ, क्यों होता है? क्योंकि आप बच्चे को गोदी में लेते हो, आपको खांसी भी आ रही, नजला है, जुखाम भी है, छींक भी आ रही, तो वायरस आपके बच्चे तक जा रहे हैं। तो आप जब भी बच्चे को नजला जुखाम खांसी है, आप उसको दूध ना बंद करके आप मुंह में अपने मास्क लगाकर तब बच्चे को फीडिंग कराइए। तीसरी चीज की फीडिंग कराने के पहले अगर नजला जुखाम बुखार है तो अपने ब्रेस्ट को आप साफ धुल लीजिए, तब बच्चे को फीडिंग कराइए। चौथी चीज, अगर 1% हमारे पास मास्क नहीं है और खांसी आ गई, छींक आ रही है, तो उसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि हम यहां छींकें या खांसें, यहां खांसने से वायरस यहां रुक जाएगा। अगर हम हाथ में छींकते, फिर हाथ में छींकने के बाद कोई चीज छूते हैं, दरवाजा छूते हैं, दीवारें छूते, कोई चीज उस पर वायरस तो उस जगह से फिर फैलने के चांस रहेंगे। हम यहां छींक दें, वायरस यहां रुक गया। डेली शाम को डिटर्जेंट से अपने कपड़े जरूर धुलिए, पता नहीं जब भी बाहर जाइए लौट कर आइए वो कपड़े दोबारा यूज मत करिए उनको बिना धुले हुए। ये हल्के डिटर्जेंट से वायरस खत्म हो जाता है। ये DNA है, इस पर फैट की पतली लेयर है, जिस जो डिटर्जेंट लगते ही खत्म हो जाती है। 20 सेकेंड तक कम से कम आप जो है हाथ जरूर धुलिए। अपने मेन गेट पर आप डिटर्जेंट का स्प्रे जरूर करिए, जिसको बार बार आप जिस कुंडे को खोलते हैं उस पर डिटर्जेंट का स्प्रे करिए, या स्प्रिट या किसी भी केमिकल का स्प्रे जरूर करिए। जो चीजें आप बार बार टच करते हैं उसकी सफाई करिए, उस पर पोछा लगाइए। खेत में भी जाइए, आप काम करने जाइए, अकेले क्यों न जाइए, मगर रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है,
कि आप गमछा और मास्क का इस्तेमाल जरूर से ज़रूर करिए। बस मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी और हम डॉक्टर साहब के इस सामाजिक कार्य की सराहना करते हैं। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सामाजिक दूरी का पालन करिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।